कामरान टसूरी का नाम सुनते ही हमें जो है ना कालिया याद आ जाता है। अगर आपने एक मूवी देखी हो इंडिया की तो बिल्कुल वैसे मूछों जैसा लग रहे हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया और जिस पे आया वो गवर्नर बन गया। भाई ये सिंध की गवर्नरशिप कोई माल गनीमत है, आप जैसे चाहें उसे आप सिंध का गवर्नर लगा दें। पर्ची माफिया हैं, उन्होंने पैसा दिया है तो गवर्नर बन गए, बाकी उन्होंने आवाम के लिए तो उन्होंने कुछ करना नहीं है। पहले कराची का फायदा हुआ है कभी जो इससे गवर्नर से कराची का फायदा होगा? भाई देखें यार, कामरान टसूरी का नाम सुनते ही हमें जो है ना कालिया याद आ जाता है। अगर आपने एक मूवी देखी हो इंडिया की तो उसके अंदर कालिया वाले करेक्टर था तो बिल्कुल वैसे मूछों जैसा लग रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि देखें ये तो वाइस चांसलर भी बन गए हैं, चांसलर भी बन चुके हैं यूनिवर्सिटी के, तो अब ये अपने सिंध के साथ कैसा इनका रवैया रहेगा, ये कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या वो कालिया वाला किरदार अदा करेंगे यहाँ पे? भाई बिल्कुल वैसे ही तासरात हैं जब इमरान इस्माइल साहब गवर्नर बने थे, तो इसमें कोई क्या कर सकता है, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहे दे, ठीक है। आप और मैं कौन होते हैं, हो सकता है कल, मतलब किसी का कुछ पता नहीं, कल आप भी शायद गवर्नर बन सकते हैं। देखो ये तो किस्मत की बात है, ठीक है। आपने जो है वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया और जिस पे आया वो गवर्नर बन गया। बस यार MQM के तो ये पहले भी नहीं थे मेरे ख्याल में। मुझे तो ऐसा लगता है शायद MQM से तो ताल्लुक़ पहले भी नहीं था, ये MQM में थे। टसूरी साहब तो माशाल्लाह से गिरफ़्तार भी हो गए थे, बदीन में उनके ख़िलाफ़ केसेस भी थे, और मुझे तो कोई बता रहा था कि सफरी पाबंदियां आए दें उस पर, वो तो जहाज़ में सफ़र भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह वो सिंध के गवर्नर बन गए हैं और अच्छे तरीके से सिंध की नुमाइंदगी करेंगे, सिंध में बैठकर वफाक की नुमाइंदगी करेंगे, और इन्हें अगर सरकारी तौर पर कहीं बाहर जाना होगा तो ये पहले शायद क्लियरेंस इन्हें लेना होगा, क्योंकि सफरी पाबंदियाँ आएँ, कोई मुझे आज सुबह बता रहा था, अला करे ऐसा ना हो। उससे पहले टसूरी से पहले सईदुज्जमान साहब को सिंध का गवर्नर लगा दिया गया था, 40-50 दिन वो बेचारा गवर्नर था मगर अस्पताल में पड़ा था। भाई ये सिंध की गवर्नरशिप कोई माल गनीमत है, आप जैसे चाहें उसे आप सिंध का गवर्नर लगा दें, आपको कोई अहल बंदा नहीं मिल रहा। मुझे तो पता नहीं कि MQM की कौन सी महरूमियाँ थी यार, ये महरूमियों का अजाला है, टसूरी का गवर्नर आपने बनाकर आपकी महरूमियों का अजाला हो गया। तो ऐसा कोई मेरे ख्याल में युवा नहीं हुआ कि लोग इसको वो इसके ऊपर ये बात करें कि यार ये तो फलां था, ये फलां था, MPA का इलेक्शन लड़ा 114 से वो हार गया, हालांकि उसकी MQM के सारे ग्रुपों ने हमायत की, यानी PSP उसके अंदर हमायत थी, हकीकी हमायत कर रही थी, लेकिन वो नहीं जीत पाया। लेकिन वो एक और वजूहत है, लेकिन जो सियासत के अंदर होता है इसी तरह वो काम वर्कर कर रहा होता है। कई वर्कर हमने देखा, रफीक तारड़ देखा जो वर्कर था वो सदर पाकिस्तान बना, आरएफ अलवी इस वक्त जो कारकुन था तहरीक इंसाफ का, फिर वो सदर पाकिस्तान बना, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती है कि वो बन जाते लोग। कराची की तो असल नुमाइंदगी तो ना सुनी जा रही है ना मानी जा रही है, अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल में सब दुनिया जानती है, मेरे अल्फाज से मैं वादा नहीं करना चाहता हूँ, कराची की एक्चुअल नुमाइंदगी जो है आवाज़ जो कराची की दबा के रखी है, और कराची की एक्चुअल आवाज़ सबको मालूम है क्या है। सोशल मीडिया पर आप सुन रहे होंगे और बड़ी मतलब मज़ाक़ा खैर बात है कि अगर नवंबर तक दिसंबर तक रुक गए तो वो आर्मी चीफ भी हो जाएंगे, इतनी जिस स्पीड से तरक्की कर रहे हैं वो, ये कल से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया कह रहा है। और कराची की और MQM पाकिस्तान की कोई वर्थ नहीं है, सिर्फ आपको पता है यहाँ पर जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह का है, मामला हैं वो सिर्फ वहाँ पर, यानी शख्सियत की बुनियाद पर पार्टीज चलती हैं, और या कराची का आवाम किसको जानते हैं वो सब आप लोगों को बखूबी वाकिफ़ हैं। आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, कोई अहल बंदा नहीं था, आपके पास सरदार अहमद है, आपके पास और लोग बैठे हैं, किसी को गवर्नर लगा देते, और आप तो माशाल्लाह आपने घुटने टेक दिए किसी के आगे, आपने सरेंडर कर दिया, आप आज के बाद ये नरो हैं कि महरूमियाँ हैं, हम मानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया, आपने क्या किया, आपने किसे गवर्नर लगवा दिया यार? टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वान करीब अभी वो MQM में आए थे और पर्ची माफिया हैं, उन्होंने पैसा दिया है तो गवर्नर बन गए, बाकी उन्होंने आवाम के लिए तो उन्होंने कुछ करना नहीं है, और कोई बेहतरी नज़र ही नहीं आ रही MQM की तरफ से। MQM भी टाइम पास कर रही है, अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं, वो आए थे, शामिल हुए थे और गवर्नर बन गए। उससे पहले अच्छे नाम थे, नसरीन जलील थी, साहबा थी और थे, लेकिन उन्होंने बस इसी को तरजीह दी, इन्होंने लगता तो यही है कि पैसा वैसा खर्च किया है जिसकी वजह से।
साहब गवर्नर बन गए हैं। अरे ये तो हमने जैसे ही नाम सुना था मैंने खुद गूगल जा के सर्च किया कि ये है कौन, क्योंकि मतलब ये बहुत टाइम से सियासत से गायब होते हैं, आते हैं कुछ टाइम के लिए, मिनिस्ट्री मिलती है, फिर जो अपना काम करना होता है वो करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद ये आते हैं कि मतलब पता नहीं कैसे आते हैं, कौन सी डील के तहत आते हैं और आके कुछ महीनों के लिए मतलब करते हैं मिनिस्ट्री, उसके बाद ये वापस गायब हो जाते हैं। पहले कराची का फायदा हुआ है कभी जो इससे गवर्नर से कराची का फायदा होगा? ये गवर्नर जो अहदे बनने लेने के बाद जो है वो उसकी अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन ये ज़रूर है कि एमकेएम की एक वो मतलब ख्वाहिश थी कि उनका जो है गवर्नर आए, वो गवर्नर आ चुका है। और कराची के अंदर जो जिन चीज़ों पे एमकेएम तनकीद करती थी, मतलब बल्दियाती अदारों पे, दीगर अदारों पे, अब वो उसको ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नर के पास जो सेक्रेटरीज होते हैं सारे के सारे उनके ओहदे होते हैं, वो शहर का काम कराएंगे और इसकी ज़िम्मेदारी अब एमकेएम के ऊपर। गवर्नर तौर भी बने हैं, ये ज़्यादातर जो है ना वो मुतनाज़ शख्सियत के तौर पे उभरा है अभी, क्योंकि दूसरी पार्टी जिन्होंने जिनके पार्टी से आया है वो कह रहे कि हमारा नहीं है, किसी और का है क्या है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये शहर के लिए अच्छा लगेगा, कराची के लिए। ज़ाहिर बात है जो सुनारा होता है ना वो सोन की तरह जो है ना सोचता है, लोहार जो होता है लोहे की तरह सोचता है, तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, ये मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा। इसकी तो समझ हमें भी नहीं आ रही ये कैसे बने, क्योंकि इतने साल गायब होने के बाद ये अचानक से आ गए और गवर्नर बने, क्योंकि एमकेएम के पास और इतने अच्छे अच्छे नाम थे ना, ये पता नहीं कहाँ से आ गया।